सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, आकांक्षा अवस्थी और दीपिका त्रिपाठी की फिल्म दबंग सरकार को सिनेमा घरों में दर्शकों का खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। योगेश मिश्रा ने दबंग सरकार को जिस स्केल पर बनाया है वह किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। फिल्म को लेकर उनके दावे सही साबित होते नजर आ रहे हैं। योगेश मिश्रा ने दबंग सरकार को जिस स्केल पर बनाया है वह किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। फिल्म को लेकर उनके दावे सही साबित होते नजर आ रहे हैं। दर्शकों ने इस फिल्म को 5 स्टार पहले ही दिन दे दिए थे, लेकिन अब दबंग सरकार के बारे में खबर आई है कि दबंग सरकार को यूट्यूब पर फुल मूवी रिलीज नहीं किया जाएगा। जी हाँ, इसकी जानकारी खुद सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सभी भोजपुरी दर्शकों को दी है। अगर दबंग सरकार यूट्यूब पर रिलीज होती भी है तो कम से कम 2 साल के बाद इस फिल्म को यूट्यूब पर जारी किया जाएगा। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म एक गांव से शुरू होती है जहां खेसारी लाल यादव का साधारण सा परिवार है। उनके पिता एक दवा फैक्ट्री में वर्कर है, लेकिन फैक्ट्री की गलतियों से उस गाँव में कुछ बच्चों की मौत हो जाती है और इससे पूरा गांव खेसारी लाल यादव के खिलाफ हो जाता है और खेसारी पर दुखों का पहाड़ टूटता है। खेसारी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर बनकर अपने पिता की मौत का बदला भी लेते हैं। फिल्म में दो अभिनेत्रियां भी हैं, आकांक्षा अवस्थी जो गांव की शांत स्वभाव की लड़की है और स्कूल में पढ़ाती है, खेसारी लाल यादव को उनसे बेपनाह प्यार होता है। वहीं दूसरी ओर है दीपिका त्रिपाठी, विलेन की बहन जो खेसारी के ड्यूरिंग से प्यार करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म की कहानी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। फिल्म की कहानी दर्शकों को बोर नहीं करती है। भोजपुरी जगत की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए बिहार अपडेट।